हेलो एवरीबडी है यू ऑल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो आज जो हम आपके लिए रीडिंग करेंगे देखेंगे कि आपके नेक्स्ट थर्टी सिक्स आवर्स कैसे रहने वाले हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करने वाले हैं उनका क्या माइंडसेट रहने वाला है वो हम अभी देखेंगे इस वीडियो में एंड जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बी अ पार्ट ऑफ आई फैमिली मेम्बर और Uh, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कह सकते हो कि आपको किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए मैं आपके लिए कर दूँगी ओके okay. एंड शुरू करते हैं आज की रीडिंग ज़्यादा बड़ी रीडिंग नहीं होगी काइज ठीक है प्लीज़ व्यूअर्स गाइड कीजिए नेक्स्ट थर्टी सिक्स आवर्स हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं हमारे व्यूअर्स के लिए You versus them, they can take care. Next 36 cards. Okay. Hmm. Six of Pentacles. Four of Cups. Hmm. Ace of Cups. One more card, please. Universe. One more card, please. यहाँ आपके पार्टनर की नेक्स्ट थर्टी सिक्स आवर एनओजी अब हम आपकी एनओजी निकालेंगे आप कैसा फील करोगे नेक्स्ट थर्टी सिक्स आवर्स प्लीज नोर्स गाइड करें नेक्स्ट थर्टी सिक्स आवर्स हमारी व्यूअर्स क्या फील करेंगे अपने पार्टनर के लिए पेज ऑफ कप्स ओके सेवन ऑफ द फूल Hmm. Okay. जी है सेवन ऑफ पेंडिकल्स ओके देखो सबसे पहले आपकी पार्टनर की रीडिंग मैं यू नो रीड कर लेती हूँ देन आपकी रीड करूँगी सो so, सबसे पहला जो मुझे चीज़ दिख रही है नेक्स्ट थर्टी सिक्स आवर्स आपके पार्टनर आई थिंक इक्वल किविन टेक करने का सोचेंगे अगर आपके रिश्ते में इक्वल किविन टेक नहीं है यू you नो know, एक अगर कुछ समझा रहा तो सामने वाला उसको समझ नहीं पा रहा है या इक्वल नहीं हो रहा है कुछ भी आपके रिश्ते में मुझे लग रहा है कि नहीं ये चीज़ रियलाइजेशन भी होगी ये चीज़ इनको रियलाइजेशन होगी कि इन्होंने आपके साथ कभी भी इक्वल की विन टेक नहीं किया है सो नेक्स्ट थर्टी सिक्स आवर्स में इनको ये रियलाइजेशन होगा कहीं ना कहीं कि मैंने बहुत गलतियाँ कर दी है मैं मैंने अभी तक जितना मुझे करना चाहिए उतना मैंने किया नहीं है इक्वल कि विन टेक नहीं हुआ है आई थिंक इनको ये रियलाइजेशन होगा कि इनकी वजह से रिश्ता बहुत ख़राब हुआ है यू नो नेक्स्ट थर्टी सिक्स आवर्स में ऐसी फीलिंग मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है एंड आपके पार्टनर का ना ये भी मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ये जरूर सोचेंगे कि ऐसा क्या करूँ मैं जिससे कि इक्वल गिव इन टेक हो और इक्वल गिविन इक्वल गिव इन टेक करने का सोचेंगे इस रिश्ते में प्रॉपर कमिटमेंट के लिए सोचेंगे बट उनके दिमाग में इसी के साथ साथ और भी चीज़ें चल रही होगी जैसे कि अगर अब वो आपको यू you नो know, कुछ भी ऑफ़र देती हैं किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में तो आई फील कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर, करोगे और आप लिटरली उन्हें इग्नोर कर दोगे मना कर दो नहीं अब मुझे तुम नहीं चाहिए तुमने बहुत गलतियाँ कर दी है एंड मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता या कर सकती आई थिंक दैट काइंड ऑफ एनर्जी ऑल्सो आई फील कि आपके पार्टनर को ये डर सताएगा कि आप अगर उसको अगर आपको वो कुछ भी ऑफर करे तो आप उस माइंडसेट में नहीं हो कि आप एक्सेप्ट करोगे आपको वही चीज़ ध्यान है जो इस इंसान ने आपके साथ पहले करी है आपका फोकस उन्हीं चीज़ों पे है सो ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है नेक्स्ट कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट थर्टी सिक्स आवर्स में अगर आप नो no कॉन्टेक्ट में हो लेस कॉन्टेक्ट में हो और बहुत टाइम से वेट कर रही थी कि कब आपके पार्टनर आएंगे कब आपकी कम्युनिकेशन होगी सो आई फील कि आपके पार्टनर कमिटमेंट तो डेफिनेटली करने आएंगे आप लोगों की एक न्यू पिकनिंग हो सकती है ये इस टाइम पे सोचेंगे भी नेक्स्ट थर्टी सिक्स आवर और किसी किसी के पार्टनर लिटरली कॉल करके अपॉलॉजी मांग के रिश्ते की न्यू पिकनिंग भी करेंगे ठीक है मुझे लग रहा है एक नए नए तरीके से रिश्ते की न्यू पिकनिंग होते हुए आपको दिखेगी नेक्स्ट मैसेज फोर ऑफ पेंटिकल आई फील कि आपके पार्टनर को ना नेक्स्ट थर्टी सिक्स आवर्स में आपको खोने का डर बहुत रहेगा आपके पार्टनर को ये चीज़ फील होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ ख़त्म हो जाए और मैं कुछ ना कर सकूँ तो ये इन्हें लगता है कि अगर अभी मैं स्टेप नहीं ले पाया तो फिर कभी कुछ ठीक नहीं हो पाएगा और हो सकता है आपके पार्टनर ने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया बट अब वो टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते अब वो प्रॉपर कमिटमेंट देना चाहते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट जो थर्टी सिक्स आवर्स है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मुझे लगा डर में रहेंगे कहीं ना कहीं कि कहीं वो आपको खोना दें एंड आपकी जो मुझे एनर्जी लग रही है आप ना वेटिंग जोन में मुझे लग रही है वैसे तो आप दोनों की एनर्जी है बट स्पेशली आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि आर वेटिंग आफ्टर यू नो बहुत लॉन्ग टाइम से आप ये वेट कर रहे हो कि आपके पार्टनर आए आपको अपॉलोजी करें या आप में से कुछ लोग कुछ लोगों को अपना आर्ग्यूमेंट याद आ सकता है कि कैसे हम दोनों के बीच में फाइट हुई थी एंड आपको भी अपनी कुछ गलतियाँ रियलाइज हो सकती हैं देन कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि आप भी उनसे माफ़ी मांग सकते हो एंड कुछ लोग मोस्टली लोगों का मुझे ये लग रहा है कि ये कर रहे हैं कि कब जैसे उनके पार्टनर उनसे माफ़ी मांगे अपनी करने के लिए जो भी उन्होंने गलतियाँ करी है उनकी माफ़ी मांगना चाहते हैं वेट कर रहे हैं कि कब आए माफ़ी मांगने के लिए सो आई फील मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है एंड सेकेंड थिंग जो मुझे आपकी एनर्जी फील हो रही है आई थिंक आप अपनी सराउंडिंग में एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं उस बाउंड्री का जो है वो यही है कि इस बाउंड्री से अंदर आप नहीं आ सकते एक बाउंड्री क्रिएट कर रही हो जहाँ पे बहुत सारी सेल्फ रिस्पेक्ट है केयर है जहाँ पे कोई चीटिंग नहीं है डिस्पेयर नहीं है एक ऐसा जोन आप क्रिएट करना चाहते हो अपने चारों ओर अपने रिलेशनशिप में जिसमें कि बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस ना हो एंड बाहरी लोग इट्स नॉट अबाउट आप दोनों के बीच में इट्स ऑल अबाउट आप दोनों में से किसी की यू uh, नो you know, uh, कोई बुरी हैबिट हो सकती है कोई बुरी आदतें हो सकती हैं आई फील कि आप लोग वेट कर रहे हो कि वो चीज़ें ना हो इन चीज़ों से दूरियाँ बना के रखी जाए मुझे ये चीज़ें लग रहा है कि एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो आप अपनी रिलेशनशिप में जिसमें कि आप चाहते हो कि कोई भी प्रॉब्लम पूरी आदतों की वजह से बाहरी लोगों की वजह से शक की वजह से इन चीज़ों से खराब ना हो ठीक है हम्म एंड द फूल की एनर्जी आई फील कि आप कहीं ना कहीं अपने इस रिश्ते में जो सोच रहे हो आपका दो दिन ये सॉरी थर्टी सिक्स आवर्स ये थॉट रह सकता है कि आपको ना ऐसा रिश्ता चाहिए जिसमें आप पीछे हो के चलो जिसमें आपको कोई डर ना हो कि कोई चीटिंग करेगा या कुछ भी आपको ये कि मेरा अच्छा टाइम हो बुरा टाइम हो मेरे पार्टनर मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे मुझे ऐसा लग रहा है यू वॉन्ट दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप जहाँ पे बहुत केयर है रिस्पेक्ट है और फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है आप ब्लाइंड ट्रस्ट करके किसी पे चलना चाहते हो कि कोई इतना भरोसेमंद हो जो मुझे बहुत केयर करे रिस्पेक्ट करे और ये स्पेशली आपके पार्टनर के लिए भी हो सकता है कि आप सोचें कि एक बार सुधर जाए या आप में से कुछ लोग तो बहुत चिल्ड मूड में रहने वाले हो नेक्स्ट थर्टी सिक्स आवर्स में आई थिंक आप फन करने वाले हो इन्जॉय करने वाले हो ऐसी एनर्जी हो सकती है आई थिंक आप इसी के साथ साथ आई फील आप बहुत पैशनेट भी रहने वाले हो आपको आपका दिल कहीं ना कहीं ये चीज़ बोलेगा कि नहीं इंसान वापस आएगा एंड डेफिनेटली वापस आएगा ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो ना किसी चीज़ का तो वो चीज़ आपकी तरफ तो बढ़ती हुई नज़र आ रही है और आप भी उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो तो आई फील कि आपके पार्टनर थर्ट नेक्स्ट थर्टी सिक्स आवर में आपके पास लौट के आ रहे हैं ठीक है मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है या फिर आपको नेक्स्ट थर्टी सिक्स आवर्स में ये कट फीलिंग रहेगी कि ये इंसान मुझसे दूर नहीं जाएगा ये वापस आएगा एंड आई थिंक ये वो इंसान है जिसका बहुत टाइम से वेट हो रहा है कुछ लोगों का ये हो सकता है कि रिश्ते में रह के भी इग्नोरेंस हो रही है बहुत ज़्यादा और किसी किसी के लिए मुझे लगता है कि यू you नो know, कोई लिटरली अपने पार्टनर को बहुत टाइम से वेट कर रहा है ओके सो गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं प्लीज़ महादेव गाइड करें क्या गाइडेंस है हमारे व्यूअर्स के लिए क्या करना चाहिए सिचुएशन में हमारे व्यूअर्स को कोरोवॉन्स hmm. हम्म टू ऑफ सोउट्स एक कार्ड और निकाल लेते हैं इका यही था बॉटम ऑफ डेक ओके सिक्स ऑफ सोउट्स एंड बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी टेंप्रेस देखो आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आपके वो नेक्स्ट जो थर्टी सिक्स आवर्स है उसके बीच में आपको कोई गुड न्यूज़ आने वाली है आपके पार्टनर लौट के आ सकते हैं सडनली आपके लाइफ में एक ऐसा चेंज हो जिसमें यू you नो know, सब कुछ बैलेंस होना स्टार्ट हो जाए सो so, आपको कहा जा रहा है कि यू शुड क्लियर योर माइंड योर थाट्स एक्चुअली वॉट यू वॉन्ट आप चाहते क्या हो आप इस इंसान को चाहते हो नहीं चाहते हो क्योंकि आपकी जर्नी ना एक बहुत स्मूथली चलने वाली है बहुत अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है तो यू शुड क्लियर योर माइंड कि आप एक्चुअली क्या चाहते हो ये पार्टनर चाहिए या नहीं चाहिए क्योंकि आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो क्योंकि लिटरली आप आपको समझ नहीं आएगा कि अब मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए ठीक है एंड बॉटम ऑफ टेक्स से आपको यूनिवर्स कहने की हिम्मत रखो यूनिवर्स आपके साथ है भगवान पे विश्वास रखो ठीक है मोनोलॉजी से भी हम एक कार्ड देख लेते हैं देखते हैं क्या आता है यस द आंसर्स यू नीड आर कमिंग जो भी आपके आप आंसर पूछ रहे थे यूनिवर्स से उसके रिजल्ट आपको मिल जाएंगे आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल, मिल रहे हैं आपको रेडी रहने की ज़रूरत है अभी हम देख लेते हैं आपके लिए बहुत सारे निकाल दिए ना ओके लिब्रा आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं ओके एंड सजी आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं नेक्स्ट मैसेज फॉर यू इज आई विल नेवर एवर लिव यू लोन आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे एंड नेक्स्ट मैसेज फॉर यू आई लव यू यस आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ओके okay. आपके पार्टनर आपको कहना चाहते यू आर माय ट्रू सोलमेट एंड वन एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई ये देखो ये जो टेम्परेंस का कार्ड है आपका बॉटम ऑफ टैक्सी ये ट्रू ऑफ कप्स सन की एनर्जी बहुत एनर्जीज़ में होती है तो ये सोलमेट का भी कार्ड हो सकता है सो so, आप दोनों शोलमीथ रिलेशनशिप में हो सकते हो आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है आई एम सो क्रेजी ओवर यू आपके पार्टनर बहुत क्रेजी है आपके आपको लेके एंड आई डोंट नो वाई आई गेट द लव विथ यू उन्हें नहीं पता वो आपसे प्यार क्यों करते हैं मैसेज इज़ रियूनियन हमें कोई अलग नहीं कर सकता हम एक दूसरे के लिए बने ये स्टेफी नीटली मुझे लग रहा है किसी किसी का नेक्स्ट थर्टी सिक्स आवर में लिटरली रीयूनियन होने वाला है एंड मैं अपनी गलतियों के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ आई एम सॉरी yes, यस आपके पार्टनर अपनी गलतियों के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं सो so, ये थी राइज आपकी होप सो आपको अच्छी लगी हो अगर रिटिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और बी अ पार्ट ऑफ आय फैमिली मेम्बर और Uh, मैं चाहती हूँ पकवान आप सभी का रियन करवा दें आप सभी बहुत ज़्यादा खुश हो अपनी ज़िंदगी में तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय